और पोलैंड ने रूस से किए यूक्रेन से सेना हटाने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस पर डाले दबाव, ये कहना है पोलैंड का। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कीव का दौरा किया। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के साथ मजबूत रिश्ते को लेकर बयान भी दिया है। पोलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस बात की अपील की है कि रूस पर उसके द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया जाए और साथ ही सेना हटाने के लिए कहा जाए। पोलैंड के राष्ट्रपति ने रविवार को कीव का दौरा किया और दुनिया से अपील की वे रूस को यूक्रेन से सेना वापस हटाने के लिए दबाव डालें और यूक्रेन खुद अपना भविष्य तय करे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार को सांसदों के सामने बड़ी गर्मजोशी से राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा का स्वागत किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सांसदों से यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए पोलिश समर्थन का जवाब देने के लिए कानून पर विचार करने के लिए भी कहा, जो लड़ाई से बचने के लिए पड़ोसी देश भाग गए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा, न तो अब और न ही भविष्य में किसी को भी इस एकता को तोड़ने का अधिकार है। हमारे राजनेताओं को नहीं, एजेंटों को नहीं, यूरोविजन जूरी के सदस्यों को भी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन और पोलैंड के मजबूत रिश्ते पर भी बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वास्तव में हमारे बीच कोई सीमा नहीं हो, किसी ने भी यूक्रेनी और पोलैंड के लोगों को अलग थलग नहीं किया। भविष्य में भी दोनों देशों के बीच इस तरह के रिश्ते जारी रहने की उम्मीद है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।